करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनोगे तब जाके समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x डिवाइडेड बाई लिख देते हैं, फिर इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे, फिर y डिवाइडेड बाई लिख देते हैं, फिर इज इक्वल टू लिखते हैं, फिर 1 डिवाइडेड बाई लिख देते हैं, ठीक है ना। ये पूरी तरह से प्रोसीजर आप कह सकते हो कि तुमको याद करना पड़ेगा क्या क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। और उसके बाद हम एक और तरीका बताएंगे जिससे तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे कि नहीं हम सही बनाए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि x डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, है ना। x क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों में x x मैच कर रहा है तो x लिख देंगे। y क्यों लिखे हैं कि y y मैच कर रहा है, y लिख दिए। इसमें दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 3 × 1 लिख दीजिए, 47 × 1 लिख दीजिए, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और 1 1 सेम भी हो गया। समझ में आया बात। उसके बाद जब x लिखते हैं तो x के नीचे हम डिवाइड लिखे हैं, तो डिवाइड लिखे हैं तो x वाली क्वांटिटी को ढक लेंगे, जब x लिखेंगे तो x को ढक लेंगे, तो x को ढक लेंगे तो इसमें कोफिशियंट्स कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। y का कोफिशियंट -2, तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, -2 और 3 लिख देंगे, फिर उधर वाला 1 का कोफिशियंट कौन कौन है, 3 और -47, ये लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे लाइन खींच देंगे ऐसे, दो लाइन में बंद। फिर हम y के डिवाइड में लिखे हैं तो y वाली क्वांटिटी को ढक लेंगे, अब y वाली क्वांटिटी को ढक लेंगे तो हमेशा मेरा टेंडेंसी रहेगा राइट जाने का, क्या जाने का, राइट जाने का। तो सबसे पहले हमको 3 और -47 मिलेगा ना, तो यहाँ हम 3 और -47 लिख देंगे, ठीक है, 3 और -47 लिख दिए। उसके बाद उधर तो 0 0 मिल जाएगा ना, तो उधर नहीं जाएंगे, वापस पीछे आ जाएंगे, मतलब 3 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद जब 1 को लिखेंगे तो 1 वाली क्वांटिटी को ढक देंगे, अब 1 वाली क्वांटिटी को ढकेंगे तो इधर तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हमारी टेंडेंसी राइट साइड जाने की है, तो इधर 0 0 मिलेगा तो हम वापस से शुरू में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 4 और -2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3 4 और कितना, -2 और 3, आया समझ में ये बात। उसके बाद क्या किया जाता है समझोगे, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद इसको याद रखना, अगर यहाँ ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ पी हो, यहाँ क्यू हो मान के चलो, तो तुमको क्या करना होगा कि ए का क्यू में गुना, ए गुना क्यू और फिर माइनस बी गुना पी, याद रहेगा। इसको तोड़ने का तरीका है, ये डिटर्मिनेंट कहा जाता है, और इसको तोड़ने का क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, यानी पहले ऐसे रखोगे, ये नहीं कि इधर से उधर गुना नहीं कर दोगे, पहले पहले ए का क्यू में गुना करेंगे, फिर बी का पी में करेंगे विथ साइन, अगर उसके अंदर साइन प्लस माइनस लगा हुआ हो तो साइन के साथ गुना होगा। तो ज़रा बताओ एक्स के डिवाइड में, एक्स के डिवाइड में चलो यहीं पर कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, एक्स के डिवाइड में हम क्या करेंगे, -2 गुना -47 ना, और इसको बंद कर देंगे एक ठो में, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 3 का गुना 3 में करेंगे, समझ में आया। फिर वाई के डिवाइड में लिखेंगे और वाई के डिवाइड में फिर वही, इसको तोड़ने का तरीका 3 गुने 4, फिर 1 हमारा वाला माइनस, फिर हमारा वाला माइनस के बाद फिर 3 गुना -47, फिर 1 के डिवाइड में लिखना है तो 1 के डिवाइड में 3 गुना 3 और माइनस -2 गुना 4, मतलब ये साइन लिखेंगे, ये मेरा फॉर्मूला वाला माइनस है, ठीक है ना। अब इसको आप तोड़ दो, एक्स के नीचे वाला तोड़ोगे, 47 दुना कितना होगा,
47 टू जा कितना होगा, बोलोगे जल्दी? नाइन्टी फोर होगा। तो एक्स के डिवाइड में हो गया माइनस का 94 और माइनस का 33 जा 9 इज इक्वल टू वाई के डिवाइड में हो जाएगा 4 तिया 12 और यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। अब 47 का 3 में करना है तो 3 7 21 4 तिया 12 और 2 14 इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में हो जाएगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस और 4 2 के 8 बढ़िया है, यहाँ तक आ गया। अब बताओ x डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 9 4 13 103 होगा ना, इज इक्वल टू y के डिवाइड में कितना होगा 41 और 10 51 और 2 53 153 होगा, सही है? और 9 और 8 17। अब देखो ये तीन क्वांटिटी तुम्हें नजर आ रहा है, अब तीनों आपस में बराबर है तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहला और तीसरा को इक्वेट करना क्योंकि इसमें केवल x अननोन रहेगा। अगर तीनों बराबर है तो सब बराबर है, इसको इसको इक्वेट करेंगे तो y निकलेगा। तो नाउ x बाई माइनस 103 इज इक्वल टू 1/17 और एक ठो इक्वेट करेंगे यहाँ से y बाई 153 इज इक्वल टू 1/17। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 103, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और डिवाइडेड बाई 17। तो कितना बार में 17 6 कितना होता है, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? ये नहीं कटेगा, कटना चाहिए, कुछ गलती किए होंगे तब। देखो यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आया बात? अब ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 94 में से 9 घटाना पड़ेगा अब आपको, तो 85 बचेगा, बचेगा ना, 85 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब ये y के डिवाइड में तो सही होगा तो इसका मतलब ये होगा x बाई 85 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिख दो क्या 85/17, तो 17 5 85, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 5। और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 153 डिवाइडेड बाई 17, कितना बार में कटेगा, 9 बार में, 17 9 153 होता है। तो x का वैल्यू तुम्हारा आया 5 और y का वैल्यू आया 9, यही तुम्हारा आंसर है। अब अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हमने क्वेश्चन सही बनाया है कि नहीं, उस x और y के वैल्यूज़ को आप इसमें डाल के देखो कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो x का वैल्यू 5 डालेंगे और y का वैल्यू हम 9 डालेंगे, तो जब 5 डालोगे तो कितना होगा 15 माइनस 9 2 18 माइनस 3 आएगा ना, और यहाँ से प्लस 3 0 हो ही जाएगा। फिर इसमें डाल के भी देखेंगे, दोनों में डालना पड़ता है। x का वैल्यू 5 डालेंगे तो ये 20 आएगा और प्लस प्लस में आएगा तुम्हारा 9 3 27 और माइनस 47 है तो ज़रा देखो तो 27 और 20 फिर 47 होगा, माइनस 47 से 0 हो जाएगा, समझ में आया? चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको।